टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. रीड द टेक्स्ट केयरफुली. देखो टेक्स्ट पढ़ने से पहले, जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट पढ़ने से पहले सीधा आप फिगर को देखो, अगर फिगर वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पे देखो. शायद आपको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत हो, तो इससे आपका टाइम बचेगा. इससे आपका क्या बचता है? टाइम. क्वेश्चन में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट. अब आपको ये पेन स्टैंड देख के समझ में आ रहा है, फिर भी अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ने, सेकंड पैराग्राफ में आओ. अ पेन स्टैंड शुड बी इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड. तो पेन स्टैंड की जो शेप है वो किस शेप में है? क्यूबॉइड है. और आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? तो यानी पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है आपको. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, अब जरा बताओ क्या होता है? एल बी और एच. एल क्या है आपका? 15. तो ये हो गया आपका 15. बी आपका क्या है? 10. और एच आपका क्या है? 3.5. एच आपका क्या है? 3.5. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल रिमूव होगा, तो 10 से 10 कैंसिल. 15 × 35 525 cm³. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब आते हैं पार्ट टू में. वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द एंटायर स्टैंड. और थर्ड पार्ट में कहा जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन. आइडियली इसमें हम थर्ड पार्ट पहले निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा. क्या कहा जा रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन. पहले मुझे ये बताओ क्या आप कॉनिकल डिप्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या जो आपका ये क्यूबॉइडल है उसमें आपके इस तरह से डिप्रेशन है, कोन की शेप में है. थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ इस तरह से. यानी कि स्टैंड में जो पेन होल्डर है आपका, जिसमें पेन आप पुट करोगे, वो जो है वो किस शेप में है? कोन. इसमें आप ऐसे पेन डालोगे, आप ये कोन की शेप है. ठीक है. और ऐसे कितने हैं? 4 है. तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन क्या होगा? 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे ये भी बता दो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h. अब आपका रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन क्या है? देखो 4 × 1/3. पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. और रेडियस है आपका 0.5. तो ये हो जाएगा 0.5. स्क्वायर है तो 0.5 × 0.5. और h हो गया आपका 1.4. तो h की जगह क्या आ जाएगा? 1.4. h की जगह क्या आ जाएगा जी? 1.4. तो डेसिमल रिमूव करते हैं यहाँ से. डेसिमल रिमूव करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. और ये डेसिमल रिमूव करते हो तो ये भी क्या हो जाएगा? 10. और 2 × 2 = 4. 7 × 14. और 2 × 2 = 10. ऊपर नहीं, वो देख रहा हूँ. अगर ये सिर्फ यही है तो फिर डायरेक्टली डेसिमल में वो हो जाएगा. 3 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा. 2 × 5 = 10. 2 × 5 = 10. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? 22. और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 15. न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 22. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 15. ठीक है जी. ये आपका वॉल्यूम आ गया. इनटू में क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. और अगर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो क्या आएगा? 15 × 1 = 15. 12 − 5 कितना? 7. 12 − 5 कितना हो गया? 7. और ये आएगा 0. डेसिमल 15 × 4 = 60. 7 में से 6 क्या? 1 और 0. देन 15 × 6 = 90. तो 1.46. इट इज इक्वल टू 1.46 cm³. पार्ट थ्री भी हो गया. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. फिर हम आते हैं पार्ट टू में. पार्ट टू में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. पार्ट टू, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड. एंटायर स्टैंड, इसको मैं V1 ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं V2. तो क्या आप एग्री करते हो? इट विल बी इक्वल टू V1 − V2. भैया वो जो आपका स्टैंड है वो क्यूबॉइडल शेप में है. ऐसे आपका स्टैंड है. ठीक है. और स्टैंड में जो है इस तरह से 4 क्या है? कॉनिकल डिप्रेशन है. इस तरह से 4 क्या है? कॉनिकल डिप्रेशन है. इस तरह से 4 क्या है आपके? कॉनिकल डिप्रेशन है. ये बात समझ में आ रही है आपको?
तो ये तो सारा खाली है ना, और बाकी ये जो सारा पार्ट है आपका यहाँ पर क्या है, आपकी वुड है। तो पूरे क्यूबॉइडल वॉल्यूम यानी कि पूरे स्टैंड के वॉल्यूम में से अगर मैं चार कोन का वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ, चार कोन का क्या कर देता हूँ वॉल्यूम, डिप्रेशन का माइनस कर देता हूँ, तो वी विल हैव द वॉल्यूम ऑफ वुड, वी विल हैव द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो ये कितना हो जाएगा, 525 माइनस 1.46, तो ये आएगा आपका 523.64 सेंटीमीटर क्यूब। एग्री करते हो? ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं पार्ट थर्ड के और वाले पार्ट पर। कॉस्ट ऑफ वुड यूज्ड इज रुपीज 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पेन स्टैंड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पेन स्टैंड कितना होगा। तो देखो जी, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है आपका, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है उसमें आपको रेट गिवन है, रेट समझते हो, रुपीज 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, रुपीज 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब रुपीज 10, एग्री करते हो? देयरफॉर अब पूरा पेन स्टैंड बनाने का वॉल्यूम ये है, पूरा पेन स्टैंड का वॉल्यूम तो यही है आपका। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन स्टैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन स्टैंड ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू रुपीज 10 इंटू जो पूरे पेन स्टैंड का वॉल्यूम है जिसको आप ले लो V3, तो इंटू V3, तो ये हो गया रुपीज 10 इंटू वैल्यू ऑफ V3 इज 523.64। डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, ये आपका कैंसिल, क्या आपका आंसर यही आया, 5236.40 यही आया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हो गया सारे पार्ट कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। अक्षत फादर इज प्लानिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन द टेरेस एरिया, ही ऑर्डर 360 ब्रिक्स, तो टोटल ब्रिक्स कितनी है, अभी जो गिवन है वो लिख लेते हैं, टोटल ब्रिक्स या टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कह दो आप, ये कितनी है 360, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 360। एंड इंस्क्राइब द सप्लाई टू कीप द ब्रिक्स इन सच अ वे दैट द बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। अब ये कहा जा रहा है कि भी जो बॉटम रो है इसमें कितनी ब्रिक्स होंगी, 30। फिर कहा जा रहा है उसके ऊपर जो है उसमें कितना होगा, 29। सेम ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में भी देखा था, ब्लॉक्स वाला। अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इन सच अ वे दैट बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। अब इन 360 ब्रिक्स को कैसे रखा जा रहा है, बॉटम में 30 उसके ऊपर 29, इस तरह से। सप्लायर स्टैक्ड दीज 360 ब्रिक्स इन द फॉलोइंग मैनर, 30, 29 एंड नेक्स्ट 28 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहां पर क्या है, हेयर सीक्वेंस फॉर्मड इज एन एपी, हेयर सीक्वेंस फॉर्मड इज एन एपी, और वो क्या होगा 30, 29, 28 एंड सो ऑन। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है, ए 30, डी क्या होगा 29 माइनस 30 माइनस 1। ठीक है जी, इन हाउ मैनी रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, तो लेट एन बी द नंबर ऑफ रोज, लेट एन बी द नंबर ऑफ रोज। Now my question to all of you is, ये an है या sn है, sn sn is equal to क्या होगा, n by 2 2a plus n minus 1 into d, sn equal to क्या होगा, n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर ये जो आपका sn है वो क्या है, 360 equal to n by 2 2a 2 इंटू 30 प्लस n माइनस 1, एन तो मुझे फाइंड करना है, और d की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, d की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1। ये क्लियर हो गया, 360 इंटू 2 720, 32 जा 60, अब इसको ऐसे ही रखो 60, प्लस माइनस माइनस 1, माइनस 1 को n से करोगे माइनस n, और माइनस माइनस प्लस 1,
तो ये हो गया 720 एन 60 प्लस 1 61 माइनस एन होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया 720 इक्वल टू 61 एन माइनस एन स्क्वायर। 720 इक्वल टू 61 एन माइनस एन स्क्वायर। माइनस एन स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा जी एन स्क्वायर। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो माइनस 61 एन प्लस 720 इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। 14 और 45 ये क्या होगा 16 और 45। तो इसके फैक्टर क्या होंगे एन स्क्वायर माइनस 45 एन माइनस 16 एन प्लस 720 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा n, तो n माइनस 45 माइनस 16 n माइनस 45 इक्वल टू जीरो। दोनों से कॉमन फैक्टर क्या होगा n माइनस 45 और n माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो जब n माइनस 45 जीरो के इक्वल होगा तो n की वैल्यू 45 और जब n माइनस 16 के इक्वल होगा तो n की इक्वल टू 16। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कोई बताएगा भैया? शुरुआत ही 30 से हो रही है तो 30 से कम रोज हो सकती है, 30 से ज्यादा रोज कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, तो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर भी चेक कैसे करोगे? अगर मैं आपको कहूँ कि ए 45 निकालो यानी कि जो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें कितने ब्रिक्स होंगी, तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 43D। तो A क्या होगा 30 44 A प्लस 44D तो A माइनस 44 होगा 30 माइनस 44 क्या आ रहा है माइनस 14। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर N इज इक्वल टू 45 नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया विच इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, यानी कि 16 रोज में ये 360 ब्रिक्स आपकी प्लेस्ड होगी। हो सकता है आपका तो ये भी आंसर आ गया हो। हाँ, यस मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ आप लोगों से बिकॉज आप एक लेवल अप चले आते हो तभी आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं माई गॉड हमने तो ये भी फाइंड कर दिया जीनियस। आगे चलते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो। अब आप कह रहे हो टोटल रोज कितनी होगी 16, तो टॉप रो का मतलब क्या जी ये भी बता दो। फर्स्ट सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में टॉप रो का मतलब आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन टॉप रो इज इक्वल टू ए 16। दैट इज ए 16 इक्वल टू वॉट ए प्लस 15D। ए कितना है 30 प्लस 15 डी की जगह माइनस 1 तो 30 माइनस 15 तो पार्ट टू भी हो गया, पार्ट टू भी हो गया हमारा ठीक है। बाकी सारे डिटेल्स ये उसके बाद फिर आपसे पार्ट टू का ही और वाला पार्ट है। पार्ट टू का इन विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर। किस रो में 26 ब्रिक्स होंगे तो हमें नहीं पता, तो आप क्या मानोगे? लेट nth रो इज इक्वल टू nth रो बी इक्वल टू लेट इन nth रो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 26। nth रो का मतलब आप कह रहे हो an इक्वल टू 26 है। अब एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस डी वन इंटू डी इक्वल टू 26। ये बात क्लियर है? ए कितना है हमारा 30 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 26। तो ये हो गया 30 माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। तो ये हो गया आपका 31 माइनस 26 इक्वल टू एन होगा। तो इसका मतलब फिफ्थ रो में दैट इज इन फिफ्थ रो दैट इज इन फिफ्थ रो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी इक्वल टू 26। को डाउट है तो बताओ दे रहे हैं तक दे रहे ठीक है। इसके बाद हम आते हैं
फिर आपसे थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है, हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन द टेंथ रो। हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन द टेंथ रो, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन टेंथ रो, वेरी गुड, इक्वल टू ए टेन। होशियार तो हो वैसे, ए टेन इक्वल टू ए प्लस 90। कई बार होशियारी से भी ऊपर चले जाते हो ना, 9 इंटू माइनस 1, तो 30 माइनस 9 कितना? 21। और कोई पार्ट है इसका? ये पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 38। मैं सीधा ही इस क्वेश्चन के फिगर पर आपको लेके चलता हूँ। जो आपकी फिगर है इस क्वेश्चन की वो कुछ इस तरह से गिवन है आपको। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, कुछ चश्मे वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया आपका सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो एंगल आपका कितना है आपका? थीटा है। ये आपको क्या कहा जा रहा है? ये क्या है? रो। ये थीटा है। तभी कहते ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब बोलू मैं, है? क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू, इन द गिवन फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री। कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस, वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 30 डिग्री आर एक्यूट एंगल। यानी कि एक ये अगर थीटा है तो इसको ले लो आप थीटा माइनस 30 डिग्री, दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा जी? 180 के। तो एंगल 1 कितना है? थीटा माइनस 30 डिग्री। एंगल 2 कितना है? 90। एंगल 3 कितना है? थीटा इक्वल टू कितना जी? 180। कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक? ठीक है। अब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 90 माइनस 30 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो 2 थीटा इक्वल टू 120। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री, और 60 माइनस 30 ये एंगल कितना? 30 डिग्री। सारे एंगल आ गए, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप। आपको लेंथ ऑफ द रोप फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड बी एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। तो ये आपकी हाइट कितनी है? 200 मीटर, और आपको लेंथ ऑफ द रोप फाइंड करनी है। कैन आई से दैट इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो ये पी और ई एच है, तो अगर मैं ये कहूं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? पी ए बी बाय ए सी। अब साइन 60 क्या होता है? √3/2। और ए बी क्या है आपका? 200। और ए सी क्या है आपका? लेंथ ऑफ द रोप, यानी कि यही आपको फाइंड करना है, यही आपको फाइंड करना। क्रॉस कर दो तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 × 2/√3, ये आ जाएगा 400/√3। अब या तो इसको डायरेक्टली करना है, तो आपको पता है ए सी इक्वल टू क्या होगा? 400। इसकी वैल्यू 1.73 ले लेते हैं, 1.73। तो डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो 1, 2, 3, 4, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको पहले क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 400/√3, रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा? √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा जी? 400/√3/3। अब देखो रूट थ्री की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी? 1.73 / 3 करना जी, क्या आएगा? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो 173 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 और 1 29, 4 1 जा 4 और 2 6, पहले बताओ सही है, फिर यहाँ तक ठीक है। डेसिमल के बाद पहले तो दो जीरो हैं तो दो जीरो लगा देते हैं, फिर डेसिमल के बाद दो डिजिट भी है तो 692 ही तो आ गया। अब 692 को 3 से डिवाइड करना ये इजी है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 2, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ जीरो आएगा तो यहाँ पे जीरो, जब 2 और जीरो एक साथ लोगे तो फिर डेसिमल आएगा, पहले जीरो फिर डेसिमल आएगा, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, यानी कि आप ये मान के चलो 230.7 अप्रोक्स मैं बोल सकता हूँ 230.7 मीटर अप्रोक्स, ये क्लियर हो गया जी। ठीक है चलो जी, ये पार्ट भी हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा -30 डिग्री तब थीटा क्या होगा। ठीक है जी, पार्ट थ्री में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर साइन थीटा जो है आपका वो कॉस 3 थीटा -30 डिग्री के इक्वल हो जाए तब आपको कहा जा रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू है कितनी, 60, तो पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो गया जी साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 × 3 कितना हो जाएगा 180 - 30, तो ये हो गया जी साइन 60, और ये हो गया कॉस 150, कॉस कितना हो गया 150, या मैं आपको डायरेक्टली बताया तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, मेरा समझ में आ रही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, चलो छोड़ दो, कॉस 180 माइनस 30 है क्या हो जाएगा कॉस 150, कॉस 150, ठीक है, कॉस 180 माइनस 30 जो है आपका 180 माइनस 30 जो आपने लिखा है थीटा की वैल्यू कितनी पुट किया आपने, नहीं दीदी साइन में ना, हाँ कुछ और कर सकते हैं, देखो रुको इसको ऐसे कर लो क्योंकि आपके सिलेबस में वो चीज़ है नहीं तो मैं क्यों करवाऊँ आपको। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब साइन साइन है तो थीटा इसके इक्वल हो गया, अब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 3 थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30, अब 90 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस 3 को यहाँ ले जाओ 430 इक्वल टू कितना हो गया 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल में दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, सेम एंगल होगा, करते हो ना ऐसे, अभी ट्रिगो क्वेश्चन करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 10 45, तो थीटा इक्वल टू 45, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, तो थीटा इक्वल टू 60, तो आपको इसको सेम उस पर लेके आना होगा, अगर ये साइन है तो आपको इसको साइन में चेंज करना होगा। वैसे एक्सपेक्टेड है कि ये वाला पार्ट आपका नहीं पूछा जाना चाहिए, बाकी फर्स्ट वाले दो पार्ट, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट पर इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बस इसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा आपका कि इसको आपको साइन में चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल है होता है, अब बस आप इतना माइंड में रखना, कभी भी ऐसा आ जाए कॉस को साइन में चेंज करना है तो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, अब दिया हुआ है तो बता रहा हूँ, अगर इन केस अगर कुछ ऐसा आ जाए तो यू शुड बी रेडी फॉर विद दैट, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30। ठीक, दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।